हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा ज्योग्राफी का होगा और ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बीपीएससी एग्जामिनेशन में पूछी गई है उसी को डिस्कस करेंगे और इसमें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लास को अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा। और रोजाना मैं संध्या शाम 6:05 पर आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हूँ, जिसमें एक दिन हिस्ट्री और एक दिन ज्योग्राफी का क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो रोजाना आप क्लास को करिए। और दूसरी क्लासेस में रात्रि 9:05 पर प्रोवाइड करवाती हूँ, जिसमें एनसीईआरटी से रिलेटेड क्लासेस होती है। भी हिस्ट्री की क्लास चल रही है तो उसको भी देखिए। दोनों क्लास को आप लोग रोजाना कीजिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब होगा केरल। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक जो है जो केरल है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रगणी है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी केरल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है चाय, ऑप्शन सी है तिलहन, ऑप्शन डी है दाल। और देखिए इसके जवाब में स्टार मार्क किया गया है उत्तर में। तो देखिए इसकी डिटेल्स को पढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न काल में भारत विश्व में चाय एवं दाल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता राज्य है, देश है। ठीक है, तो FAO के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व में चाय का दूसरा, चीन पहला बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता है। वहीं दूसरी तरफ भारत दाल के उत्पादन एवं उपभोक्ता में प्रश्नकाल से वर्तमान तक अग्रगणी स्थान पर बना हुआ है। अतः वर्तमान संदर्भ में इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर दाल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय का बगान नहीं है? ठीक है, नहीं है। तो ऑप्शन ए है कानन देवन, ऑप्शन बी है नीलगिरी, ऑप्शन सी है दार्जिलिंग, ऑप्शन डी है गिरनार, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गिरनार। कानन देवन पहाड़ियाँ भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में अवस्थित है। यह क्षेत्र मुन्नार हिल स्टेशन के पास अवस्थित है। मुन्नार क्षेत्र में 1870 के दशक में चाय बगानों की शुरुआत हुई थी। नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है। नीलगिरी चाय भारत की सबसे विशिष्ट चायों में से एक है। भारत का दार्जिलिंग मुख्यतः चाय उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है, जो सिक्किम राज्य के दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। गिरनार पर्वत गुजरात के राज्य में अवस्थित है, जहां पर चाय बगानों का विकास नहीं हो पाया है। अतः विकल्प इसका डी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? ऑप्शन ए है चिकमंगलुरु, ऑप्शन बी है कुर्क, ऑप्शन सी है बाबा बुदनगिरी, ऑप्शन डी है पुलनेज, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पुलनेज। भारतीय कॉफी बोर्ड के अनुसार कर्नाटक के चिकमंगलूर, कोडागु, कुर्क एवं हासन जिले, केरल के वायनाड, त्रावणकोर एवं नेलियम पेथिस क्षेत्र एवं तमिलनाडु के
पुलनीज, नीलगिरी, शेवराय, सलीम, अन्नामलाई, कोयम्बटूर क्षेत्र कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। बाबा बुदनगिरी कर्नाटक में है, जहां भारत ने सर्वप्रथम कॉफ़ी के पौधे रोपित किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। ऑप्शन ए है चाय, ऑप्शन बी है अनाज, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम, ऑप्शन डी है पेट्रो रसायन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चाय। प्रश्न काल में दिए गए विकल्पों में अनाज, पेट्रोलियम एवं पेट्रो रसायन का भारत आयात एवं चाय का निर्यात करता है, जबकि टी बोर्ड इंडिया के अनुसार वर्ष 2022 में भारत ने चाय का 226.98 मिलियन किग्रा का निर्यात किया। वर्ष 2022 में विश्व के चाय निर्यातक देशों मात्रा में भारत का चतुर्थ स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। हाँ, तो इसका डिटेल्स देखते हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ जूट डेवलपमेंट के अनुसार वर्ष 2017-18 में जूट एवं मिस्ता दोनों का उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है, जबकि बिहार द्वितीय स्थान पर। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। वर्ष 2021 से 22 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में कुल 10.32 मिलियन गांठ जूट एवं मिस्ता उत्पादन का अनुमान है, जिसमें से 8.36 मिलियन गांठ जूट एवं मिस्ता का उत्पादन पश्चिम बंगाल में अनुमानित है। तीसरे क्रम पर जूट उत्पादक राज्य बिहार है। ठीक है दोस्तों, तो ये सबका जो डेटा है, इस तरीके का डेटा हर एक साल चेंज होते रहता है, तो देख लीजिएगा। तो डेटा जो अप टू डेट होगा उसी को आप लोग देख कर जाइएगा एग्जामिनेशंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान, तो ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी में द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? ऑप्शन ए है सतना, ऑप्शन बी है दुर्गापुर, ऑप्शन सी है नेपानगर, ऑप्शन डी है कानपुर, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा नेपानगर। ठीक है, अखबारी कागज उद्योग जो है जो नेपानगर में अवस्थित है। नेपानगर मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर जिले में स्थित एक औद्योगिक नगर है। ठीक है, जो अखबारी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो नेपानगर मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, तो ऑप्शन ए है बॉक्साइट, ऑप्शन बी है कैलामाइन, ऑप्शन सी है कैलासाइट, ऑप्शन डी है गैलेना, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई बॉक्साइट। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट है। देखिए इसके डिटेल्स को देखते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में एल्युमिनियम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट है। यह विश्व में एल्युमिनियम का मुख्य स्रोत है। गैलेना की कुछ मात्रा बॉक्साइट से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन ए है बिहार में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश में,
ऑप्शन सी है उड़ीसा में, ऑप्शन डी है पंजाब में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पंजाब में। पूछ रहा नहीं है, लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है तो पंजाब में। भारत में लौह अयस्क उत्पादन के चार प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला है उत्तर पूर्वी, जिसमें झारखंड एवं उड़ीसा आते हैं। दूसरा है मध्य भारत, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आते हैं। तीसरा है प्रायद्वीपीय भारत, जिसमें कर्नाटक और गोवा आता है, और अन्य क्षेत्र जिसमें आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात, हरियाणा व पश्चिम बंगाल सम्मिलित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है झारखंड। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2021 के अनुसार भारत में चांदी के प्रमुख उत्पादक राज्य इस प्रकार है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है कर्नाटक। ऑप्शन मतलब ये बता रहा है कि प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन है। तो पहला है राजस्थान और दूसरा है कर्नाटक। ठीक है, कुल संसाधन की दृष्टि से राज्यों का क्रम राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रगणी है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए केरल। केरल थोरियम उत्पादन में अग्रगणी है। मेनाजाइट थोरियम का मुख्य स्रोत है। IREL लिमिटेड, भूतपूर्व इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, एर्नाकुलम जिले अलुवा में अवस्थित संयंत्र में मानवाला कुरीची तमिलनाडु से प्राप्त मेनाजाइट को संसाधित कर थोरियम उत्पादित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रगणी है? ऑप्शन ए है चादरी अभ्रक, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है जिप्सम, ऑप्शन डी है लौह अयस्क। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। यूएसए जीएस मिनरल कॉमोडिटी समराइज 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में अभ्रक प्रकृति का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक चिली, जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका तथा लोहा एस्क का सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो इसका सही जवाब होगा झारखंड। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2004 के अनुसार 2003-04 में भारत में अभ्रक के तीन प्रमुख उत्पादक राज्य इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पहला स्थान है आंध्र प्रदेश का, दूसरा स्थान है राजस्थान का और तीसरा स्थान है झारखंड का। भारत में तीन प्रमुख उत्पादक राज्य हैं अभ्रक के, जिसमें है पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा राजस्थान और तीसरा झारखंड। नेक्स्ट है, अतः प्रथम दो राज्य विकल्प में न दिए जाने के कारण सही उत्तर विकल्प होगा इसका बी। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2021 के अनुसार अभ्रक का उत्पादक आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान में हो रहा है, जबकि आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र एवं बिहार क्रमशः अभ्रक के बड़े भंडारण राज्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। ऑप्शन ए है समृद्ध राज्य पहचानने के लिए बोल रहा है, ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो देखिए इसमें ऑप्शन सी दिया है इसका सही जवाब। प्रश्न काल में मूल्य की दृष्टि से सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य बिहार था।
ठीक है। और जिस टाइम क्वेश्चन पूछा गया था तब की बात है 1994 की, तो बिहार था। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार मूल्य की दृष्टि 5 खनिज उत्पादक राज्यों का क्रम प्रतिशत देखते हैं हिस्सेदारी 2021-22 में नेट ईंधन एवं लघु माइनर खनिजों को छोड़कर क्रमशः इस प्रकार है, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो इस तरीके से आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यह क्लास आप लोग के लिए लाभप्रद होगा, और इसी तरीके के रोजाना क्लास पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल AV Academy को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इस क्लास का लाभ और लोगों को भी मिल सके और आपका और हमारा यह चैनल आगे ग्रोथ कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।